नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए ले चल रहे हैं। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। तो हम निकल चुके हैं वहाँ के दर्शन के लिए और आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे साफ खुशी। दोनों तरफ मेरी नज़रें घूम रही हैं, एक बार इधर और एक बार उस साइड में, क्योंकि प्राकृतिक नज़ारा यहाँ का बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे जा सकते हैं और हम आनंद लेते हुए उन पहाड़ों को देखते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। और रास्ते में बहुत से बंदर देखने को आपको मिलते हैं, जिनके लिए आप कुछ खाने पीने की सामग्री ले सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं और आप पहुंचे हैं गुप्त गोदावरी के पास। देख सकते हैं आप, दोनों तरफ दुकानें हैं जहां से आप पूजा पाठ की सामग्री और प्रसाद अपना ले सकते हैं। गुप्त गोदावरी के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि आपको मेन गेट पे मिल जाएगा। लोगों की रोजी रोजगार की यहाँ व्यवस्था बनी है। सबसे पहले हम शिव जी का दर्शन करते हैं यहाँ गुफा में प्रवेश करने के पहले। और यहाँ पे दो गुफा है, एक में दर्शन और दूसरी गुफा में गोदावरी जी हैं। और हम गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं। कहते हैं गोदावरी जी को सीता माँ जी के लिए प्रकट किया गया था और इस गुफा में रामचंद्र जी और लखन जी ने अपना दरबार लगाया था। अंदर छोटे छोटे कुछ मंदिर भी इन्होंने बना रखे हैं और हम पहली गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर काफी गर्मी है और सफोकेशन भी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। काफी पुराने पहाड़ हैं। लोग एक दूसरे का ध्यान देते हुए अंदर चलते हैं, क्योंकि रास्ता काफी सकरा है और हम लोग पैर ना फिसले पानी में, इसलिए बहुत संभल के भी चल रहे हैं। पहले तो आपके घुटने तक पानी मिलेगा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पानी की गहराई और बढ़ती जाती है। और हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गुफा को देखते हुए। काफी पुरानी गुफा आप देख सक रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बैच में भेजा जाता है ताकि अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ये देखिए, काफी सकरा रास्ता है और हाइट भी बहुत कम है, हमको झुक के निकलना पड़ रहा है। अंदर लाइट तो लगी है, लेकिन आप अपने टॉर्च को मोबाइल के यूज कर सकते हैं। मोबाइल ले जाना इसके अंदर अलाउड है। एक दूसरों का ध्यान देते हैं लोग, पहला एक आदमी निकल जाता है, फिर दूसरा कोई घुसता है। पहले कुछ सकरा था, फिर आगे चल के खुला भी मिल जाता है। और हम लगभग पूरी गुफा को घूम लिए हैं, काफी अच्छा लग रहा हम लोगों को यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अंदर गाइड भी रहते हैं, जो आपको ध्यान देते हैं, आपको रास्ता बताते रहते हैं। और लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, उनको आगे चलने के लिए कहते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए। तो लगभग हम लोग दोनों गुफा घूम लिए हैं और हमारी ये बहुत ही
अच्छा एडवेंचर था हमारे लिए ये। आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं, जब भी आप खाली हों आप आ सकते हैं। ये वो धरा है, कुंड है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है गोदावरी जी का। ये पांच धरा है, इसके बाद आप पानी नहीं दे सकते। फिर पंडित जी ने हमको प्रसाद दिया जो कि रबड़ी थी, और हम लोग ने खाया, और वहाँ पे कुछ सुझाव भी हमने दिया कि यहाँ के लिए